बिहार के सरकारी स्कूलों को हाईटेक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। अब इस पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति ली जा रही है। इसके बाद राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेकर योजना लागू कर दी जाएगी। इसकी सुरक्षा एवं रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। बिहार के स्कूलों में वितरण के लिए कुल 1,65,000 टैबलेट कंप्यूटर देने की योजना है। एक टैबलेट की खरीद पर 14,000 रुपये खर्च होंगे। विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के प्रति टैबलेट 10,000 रुपये उपलब्ध है। इस खर्च पर 14,000 रुपये आ रहा है। इस तरह हर टैबलेट के लिए 4,000 अतिरिक्त राशि की जरूरत है, जो करीब 70 करोड़ होती है। विभाग को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को अगले 2-4 माह के अंदर ही मंजूरी मिल जाएगी। विभाग की ओर तैयार प्रस्ताव में टैबलेट के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ये टैबलेट स्कूल की संपत्ति होगी। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को पठन पाठन में इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही स्कूल के अन्य गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा टैबलेट में सिम भी लगाया जाएगा। सिम रिचार्ज कराने पर होने वाले खर्च कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि से दी जाएगी। टैबलेट वितरण के समय इस पर विस्तार से मार्गदर्शन स्कूल को कराया जाएगा।